الخير حيا لا يزال. एक दफा सफा पे दुआ मांग रहा था तो एक खातून थी, उसके पास शीरखार बच्चा था, छोटा सा बिल्कुल। तो मुझे ख्याल हुआ कि शीरखार बच्चा तो मासूम होता है, तो मैं इस खातून से ले लूं और मैं उसको हाथ में लेकर दुआ मांगूं, क्योंकि एक रिवायत में आता है कि लौला अतफाल रुज़ा व शुब्बान खुशा व अशयाख रुक्का व बहा इमरुत्ता लसुब्बा अलैकुम अलअज़ाब सब्बा, कि अगर दूध पीते बच्चे ना हो, शीरखार बच्चे ना हो, और वो बूढ़े जिनकी कमरें झुकी हुई हैं वो ना हो, और वो जवान जो खुशू खजू करने वाले, रोने धोने वाले वो ना हो, और जानवर जो चरने वाले हैं ये ना हो, तो अल्लाह ताला के तुम पर बहुत सख्त अजाब आए। तो अल्लाह ताला का अजाब इन चार किस्मों से रुका हुआ है, शीरखार बच्चों से, बूढ़ों से, और वो जवान जो खुशू खजू करने वाले हैं उनसे, और जानवरों से। तो मुझे ख्याल हुआ कि ये छोटा बच्चा अगर मुझे मिल जाए तो ये भी तो एक अल्लाह की रहमत को लेने का वो है। तो वो अरब खातून थी, मैंने उसको कहा कि मुझे इशारा किया कि थोड़ी देर के लिए मुझे दे सकती हैं, कहते ला, इतनी शोर किया उसने, कहते बिल्कुल नहीं। तो मैंने उसको फिर अरबी में बताया कि मैं दुआ मांगने चाहता हूँ शीरखार बच्चे की वजह से, क्योंकि शीरखार बच्चे की वजह से दुआ कबूल होती है, वो तो मासूम है, तो अल्लाह ताला के दरबार में इसका वास्ता हम देंगे। उसने कहा ठीक है, लेकिन अपने हाथ में रखूँगी मैं, मेरे हाथ में आप दुआ मांग लें, दूँगी नहीं आपको। तो खैर मैंने दुआ मांगी और मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी, या अल्लाह आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाहु अरहमु बिखल्क़िही मिनल उम्मी बिवलदिहा, कि अल्लाह ताला को अपने बंदों से इससे भी ज़्यादा, जो माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत होती है, अल्लाह को अपने बंदों से इससे ज़्यादा मोहब्बत है। अल्लाहु अरहमु बिखल्क़िही मिनल उम्मी बिअफ़राक़िहा, माँ को जो अपने चूज़ों के साथ मोहब्बत होती है, अल्लाह को अपने बंदों से उससे भी ज़्यादा मोहब्बत है। तो ये माँ अपने बेटे को थोड़ी देर के लिए मुझे नहीं दे रही, इतनी उसको ख़दशा है, इतनी मोहब्बत है इससे, तो अल्लाह हम तो आपके बंदे हैं, हम यहाँ मांगने के लिए आए हैं आपकी इसमें। तो मैंने दुआ भी मांगी, लेकिन मैंने साथ में ये भी सोचा कि कितनी अल्लाह ने माँ की ममता कैसी है कि थोड़ी देर के लिए भी वो बर्दाश्त नहीं कर रही, और ये पूरी दुनिया में जितनी भी माँ बाप की मोहब्बत होती है, मियाँ बीवी की मोहब्बत होती है, बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की, दोस्त अहबाब की, आशिक माशूकों की, और जितने भी जानवर हैं, जितने भी हशरातुल अर्ज हैं, इन सारी मोहब्बतों को जमा करें तो हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह की मोहब्बत के 100 हिस्से हैं, ये एक हिस्से की झलक है, ये 99 हिस्से अल्लाह ने आखिरत के लिए रखे हैं। तो इतनी रहमत, इतनी मोहब्बत अल्लाह ताला की, तो फिर हम कैसे मारूम हैं।